जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अगर घर में गैस नहीं आती तो प्लान भी है एलपीजी। एलपीजी की शॉप के बाहर हम मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो प्राइस है वो क्या है और कितने में एलपीजी बेचते हैं और आजकल कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि अब तो गैस नहीं आ रही तो एलपीजी बेचने वालों की चांदी हो गई, राइट और रॉन्ग? राइट, चांदी तो नहीं है, क्योंकि किसी मुसलमान के ऊपर अगर मजबूरी हो उससे खुश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ये हमारा कारोबार है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो हुकूमत रेट देते हैं उस रेट पे देते हैं, लोगों की तरह ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, आपने अभी कहा, आपने भी कहा कि अगर तो किसी को दुख हो तो उसके ऊपर खुशी नहीं मनानी चाहिए, आपके कहने का मकसद था, यानी लोग दुख में हैं, गैस नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, लोग परेशान हैं और हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए और दुकानदारों को भी मुनासिब मुनाफा रख के बेचना चाहिए। यह नहीं है कि लोग उसके मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाएं और अपनी मन में मानी कीमत पे बेचें। ठीक है, हम जिस इलाके में अभी मौजूद हैं, यहाँ के अहले इलाका के मुताबिक यहाँ पे गर्मियों में भी गैस नहीं आती है, यानी कि गर्मियों में भी लोग एलपीजी भरवाते हैं सिलेंडर में? नहीं, गर्मियों में गैस आती है, गलत बयानी, कम आती है, कम आती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होती हैं। रोज़ कितने ग्राहक आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास? मुख्तलिफ, कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं। अभी ज्यादा, और रेट क्या जा रहा है आज, आप क्या किस कीमत पे आज बेच रहे हैं? 115 रुपए। 115, ये पक्की बात है? जी 115 रुपए। ये आप पहले मुझे मिले हैं जो 115 रुपए ओगरा के मुतय्यन करता रेट के मुताबिक आप एलपीजी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपने गैस ली है कभी, एलपीजी ली है? जी हाँ लिया। कितना है रेट इनका? 115। कितना है रेट एलपीजी का? किसका एलपीजी का रेट कितना है पता है? 115 है। 115 है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, होटल वाले से हम पूछते हैं कि कितने रुपए में यहाँ पे एलपीजी बिकती है और होटल्स किस तरह से चलते हैं। जरा आइए, ये चाय का होटल है, इनसे भी हम जान लेते हैं कि चाय बनाते कैसे हैं, गैस तो आती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार शुक्र अल्लाह का, गैस तो आ नहीं रही, गैस नहीं आ रहे, बाहर मेन पे हमारा दुकान है, होटल है, गैस नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, हमने सिलेंडर इस्तेमाल करते हो। जो सामने एलपीजी की दुकान है, कितने रुपए किलो एलपीजी? 115 किलो है। 115 रुपए, चले ये तो अच्छी बात है, लेकिन शहर लाहौर में 115 कहीं हमें शाजो नादर है कि 115 रुपए किलो एलपीजी मिल रही है, ज्यादातर 180, 160, 200 का किलो है मिलते। आप एलपीजी पे चाय बनाते हैं? जी हम एलपीजी पे चाय बनाते हो। तो ये मेन शाहरा गुजर रही है, मेन शाहरा पे भी गैस नहीं आती? नहीं अरे बिल्कुल नहीं, रात को तो बिल्कुल नहीं आते गैस इधर। आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना आपका बन जाता है बिल? सिलेंडर का हम 1000 रुपए का रोज इस्तेमाल करते हैं। रोज तो महीने का? महीने का 1000 से हिसाब लगाओ, रोज 30,000 रुपए बन जाते हैं। 30,000 बन जाते हैं ये तो फिर सिलेंडर का ही तो गैस का बिल भी अदा करते हैं? गैस के बिल भी आते हैं। तो कितना आता है? हाँ जी, पहला गैस का बिल हमारा 30 आया, अभी 75 आया। 75,000 रुपए, 75,000 रुपए गैस बिल्कुल है नहीं, और गैस तो है नहीं, गैस है नहीं, सिलेंडर लगा हुआ है, कल गैस वाला आया, चिकन किया, गैस आया नहीं पेट में। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? पहला गैस का बिल हमारा आया 30-25, अभी 75,000 रुपए हम जमा किया, बिल हमारा पास पड़ा हुआ है, गैस आया नहीं, दिन को 1000 रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 600-700-800 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2000 रुपए का एलपीजी का खर्चा है मेरा, गैस का बिल हम 75,000 रुपए जमा किए। ऐसे तो कारोबार सारे बंद हो जाएंगे अगर ये सूरत हाल रहे। बेड़ा खर्च हो गया। हाँ, किसको ये आप किसको मरूदुल इल्जाम ठहराएंगे, इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हमारा सारा हुक्मरान है, हमारा सारा बड़ा इदारे, हम गरीब लोग क्या कर रहे, इधर तहकीक आ रहे, इधर आ रहे, कौंडरा अंदर कर। इमरान खान साहब पसंद है आपको? पसंद जो सारा पसंद है, हम गलत है, गरीब बंदा हर जगह में फंसा हुआ गलत है, बड़ा बंदा सारा सही है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें। ठीक है नाज़रीन, कुछ निकाल लिया अभी इमरान खान ने, चरमा निकाल लिया, गरीब बंदों को क्या कर रहे हो, सब बड़ा लोग सही है। क्या बोला आपने, पहले नवाज शरीफ ने चमड़ी निकाला, अब इमरान खान ने चमड़ी निकाला, गरीब लोगों को क्या कर रहे हो? चमड़ी निकाल देते हैं ये हुक्मरान, कैसे? घर में बच्चे भी होंगे? घर में बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, सारा क्या कर रहे हैं अभी, बहुत मुश्किल है जिंदगी, बहुत मुश्किल है अभी। चले इमरान खान साहब को कोई पैगाम दे दें, उनकी काबीना को, कप्तान के खिलाड़ियों को कोई पैगाम दे दें। पैगाम क्या देगा वो, गैस का इतना महंगा किया, बिजली महंगा किया, सब कुछ क्या कर रहे हो, कह रहे थे तब्दीली लाएंगे, कहाँ लाई है तब्दीली? आ गई तब्दीली? तब्दीली नहीं आई, वो नहीं आई, कहाँ रह गई?
और महंगाई होगी इस को। चले ठीक है, ठीक है जी अंकल, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं गैस ला नहीं रही, तब्दीली अच्छी आ गई है, मुल्क के हालात खराब हो गए हैं, कुछ कब्जा ग्रुप वालों ने वक्त डाला हुआ है, लोगों के घरों में कब्जे कर रहे हैं, कुछ गैस वालों ने वक्त डाला है, ये नई हुकूमत आई, हम किधर जाए, हम किधर लेके हमें को ले जा रहा है, ये वो नो हुकूमत गई है, एक हुकूमत आई है, असि कड़ी जगह दे जाइए, सानू लुट कर खा गए ने, और किस पासे जाइए, कब्जा ग्रुप वाले को खुदा माफी दे, हमारी लखो डैर में जगह है, लखो डैर में इतना कब्जा हो रहा है, इतना कब्जा हो रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मसाइल पे मसाइल है, मसाइल पे मसाइल है, जहाँ जाओ मसाइल है। नाज़रीन यहाँ पे एक तंदूर है, इनसे हम इतना बड़ा गैस का मीटर, और ये इतना बड़ा गैस का मीटर, गैस तो बहुत ज्यादा आती होगी। गैस आती नहीं है जी, ये देखिए पहले 50,000 का बिल आता तब गैस बिल भी कुछ आती थी गर्मियों में। इतना बड़ा मीटर है और गैस नहीं आती। नाज़रीन जरा एक सिक्का है आपके पास, सिक्का दिखाइएगा, ये रहा सिक्के का साइज, ये रहा सिक्के का साइज, और जरा गैस की मीटर का साइज चेक करें आप। नाज़रीन जरा आप साइज चेक कर लें इस गैस के मीटर का, फिर आगे जाके हम बात करते हैं। ये साइज है सिक्के का और ये गैस, इतना बड़ा गैस का मीटर, तो इनसे जानते इतना बड़ा गैस का मीटर, गैस तो बहुत ज्यादा आती होगी। नहीं आई नहीं थी गैस, तो देखें आप हम बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किल में है, वो दूसरी गैस भी महंगी है, ये भी, ये तो आ नहीं रही। तंदूर कैसे चलता है? ये तो वो दूसरी लकड़े का भी जलाते हैं, कभी दूसरी गैस गैस जलाते हैं। देख लें हम जरा साइड पे होइएगा, लकड़ियाँ जल रही हैं अंदर। नाज़रीन अभी आ रही है, अच्छा ठीक, थोड़ी देर में चली जाएगी, फिर रात को 11-12 बजे के बाद आएगी। रोटियाँ तो ठीक नहीं बनती होगी? नहीं बनती, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। हाँ जी, गैस का बिल कैसा आता है? पहले आता था 40-50, अब 75 आ रहा है। 75,000? हाँ जी, 75,000। लकड़ियाँ जलाने का जो खर्चा है वो अलग, वो अलहदा है, लकड़ी का जो गैस दूसरी है उसका अलहदा है। ये आपने बिल पकड़ा हुआ है, दिखाइए, 74,540 रुपीस एक महीने का बिल, ये अमाम जमा करवा दिया। बिल्कुल करवा दिया जमा, वो मोहर लगी, जमा तो ना करवाएं तो काट जाएंगे, फिर भी हमें मुश्किल है, क्या करें, काम तो करना है। ठीक है, ये लिए आपका बिल। वैसे वोट किसको दिया आपने? हमने वोट तो इसको हर आवाम ने इसी को दिया, इमरान खान साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे की जानिब चलेंगे, एक और होटल है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और किस तरह से ये होटल चला रहे हैं, इनका गैस का मीटर वो रहा। ओके आगे चलते हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप खाना खा लें, पहले भी बात कर लें कि पहले बात कर लें, बताइएगा। अच्छा गैस आ रही है? गैस नहीं आ रही। कैसे होटल चला रहे हैं फिर? सिलेंडर लगाया हुआ। सिलेंडर का कितना बिल है? 500-600 रुपए लग जाता रोज। रोज, और गैस का बिल भी देते होंगे? गैस तो नहीं आता। अच्छा मेन शाहरा पे भी ये हाल है? हाँ जी। तो वोट किसको दिया आपने? नवाज शरीफ को। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन आगे चलते हैं। नाज़रीन इस इलाके में हमने घरेलू सारिफिन से बात किया, होटल वालों से बात किया, चाय के जो होटल थे उनसे भी, और खाने के होटल, इसके अलावा तंदूर, उससे भी हमने बात की। मैं जरा कैमरा घुमा के आपको दिखा दूं कि ये मेन चौराहा है, आप देख लीजिए, ये मेन चौराहा है और मेन चौराहा के ऊपर ही गैस नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं, एक और इलाके का रुख करते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। नाज़रीन एक ऐसे इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर गैस नहीं आ रही, यूँ तो पूरे लाहौर में गैस नहीं आ रही, लेकिन हम आपको कुछ मनाज़िर ऐसे दिखाना चाहते हैं जहाँ आपको देख के मालूम पड़ेगा कि अगर गैस नहीं आती है तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। लोग आग जलाने के लिए यहाँ पर गली का रुख करते हैं, ख़वातीन कैमरे को देख कर अंदर चली गई हैं और यहाँ पर हमसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये चाह रही हैं कि क्योंकि जब गैस नहीं आ रही होती उनको कोयला जलाना पड़ता है या लकड़ी जानी पड़ती है, तो उनकी खूबसूरती भी मुतासिर होती है, स्किन भी खराब होती है, और इस वजह से वो हमसे बात भी नहीं करना चाहती है। बहुत बड़ा फैक्ट है। हमारे नुमाइंदे राना फहद भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, हम आपको शामदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया मदीहा। फहद आपने तो कभी देखा है ये मंजर लाहौर में गलियों में इस तरह से औरतें लकड़ियां जलाएं, और ये कभी आपने देखा है?
جی بالکل، اب جو ہے جو صورت حال ہے وہ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ہر محلے میں یہی صورت حال ہے، کیونکہ گیس جو ہے وہ شہریوں کو دستیاب نہیں ہے، اور گیس واحد ایک چیز ہے جو جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو، یہ عام جو ہے وہ صارف جو غریب لوگ ہیں یہ ان کا بیسیکلی ایندھن زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایل پی جی استعمال نہیں کر سکتے، ایل پی جی بہت مہنگی ہے، تو یہ گیس اس نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے ذرا ہم بھی ایکسپیرینس کریں، لکڑیاں جلتی کیسے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھتے ہیں یہاں پر، تو یہ جناب یہ لکڑیاں ہیں اور یہ کیسے جلیں گی ماں جی؟ بس یہ اسی طرح جلیں گی، ہم بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں بات، یہ گیس نہیں آ رہی، آپ بھی جلا کے دیکھیں اور ہم بھی جلا کے دیکھتے ہیں، تو یہ اس کو یہاں پہ اس طرح رکھ دیا جائے گا اور پھر ہانڈی بنے گی اس کے اوپر؟ بالکل، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ابھی تک لکڑیاں جلا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے ہماری، سردیوں میں یہاں پر گیس نہیں ہوتی اور گرمیوں میں یہاں پر بجلی نہیں ہوتی، عوام کرے تو کرے کیا، اب جو ہے بحران اس وقت شدید ہوتا جا رہا ہے، آج صبح 7 بجے سے مختلف علاقوں میں بجلی بھی بند ہے، گیس بھی نہیں بند ہے، یہ ماں جی سے آپ بات کریں گے؟ ماں جی، ماں جی کس کیا کریں گے؟ غریب آدمی کیا کرے، روٹی 12 روپے کی ایک ہے، نان 12 روپے کا ایک ہے، گیس آتی نہیں ہے، اس طرح کھانا بنانا پڑتا ہے، مشکل ہے نا، بہت بہت مشکل ہے۔ مدیحا، یہ جو لکڑی جل رہی ہے نا، یہ بھی 700 روپے من بک رہی ہے، اور بلیک میں میں نے کل پروگرام کیا ہے، اور 850 اور میں نے کل پروگرام کیا ہے جہاں پہ 1000 روپے کی بک رہی تھی لکڑی، بک رہی ہے ایل پی جی جو ہے، ایل پی جی 200 روپے کے جی ہے، لکڑی جو ہے یہ 850 روپے فی من بک رہی ہے، اور اگر کوئلے کی بات کریں تو کوئلہ 70 سے 80 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، اب غریب کیا کرے، جس کی 500 روپے دیہاڑی ہے، جس نے سارا دن میں محنت کر کے 400-500 روپیہ کما کے گھر بچوں کے لیے کھانا لے کے جانا، وہ کیا کرے، وہ یہ لکڑیاں لے یا وہ بجلی کا بل ادا کرے یا وہ بچوں کو کھانا دے، یہ ساری محنت کر کے اور یہ لکڑیاں لا کے اور یہ جلا کے، ساری جتنی محنت ہے نا، یہ وہ سارا دن کی محنت اپنی جلا رہے ہیں، کا پیسے جلا رہے ہیں یہ لوگ۔ اور ناظرین، کچھ دیر اور بھی یہاں پہ بیٹھیں گے تو شاید ہم بھی منہ کالا کروا کے یہاں پہ جائیں گے۔ ماں جی، ماں جی، آج صبح سے لائٹ آ رہی ہے؟ ہاں جی، لائٹ آج آ رہی ہے، آج آ رہی ہے جی جناب، یہ یہاں کی صورت حال ہے، اور بھی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہاں جی ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں مدیحا کہ اس کا کس قدر دھواں ہے، کہ ہمارا ادھر بیٹھنا جو ہے وہ محال تھا اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس پر کھانا بناتے ہیں سارا دن، یہی چلنی ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ ہم بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں، گیس یا نہ لائٹ نہ پانی بتی ہے، عمران خان کا کیا انہوں نے چڑھ گیا، عمران خان آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی کرے، کیا تبدیلی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کھانا مہنگا، ہر چیز مہنگی، کوئی نہ دنیا کھانا کھائے نہ پانی پیے، نہ بس اس طرح دنیا گزارا کرے گی۔ عمران خان صاحب کہتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں تبدیلی آئی ہے، نظر تو نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ ہوئیے۔